हरी हरी बोल, इधर आ जाओ सबके सब, सामने सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, हरी बोल इधर आ जाओ। बोले गिरिराज बाबा की, बोले श्री कुसुमा सरोवर की, हम लोग कर रहे हैं हरे कृष्ण माथुर भागवत चुप रहो। इसलिए देखो ऐसे कोई स्थान नहीं गिरिराज गोवर्धन में जहाँ पर भगवान ने लीला नहीं की है। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयति नवजूर्ण द्वंद्व अस्मिन मंदम। मतलब नहीं बैठने का जरूरत नहीं, खड़े होकर चलेंगे, क्यों ज्यादा समय ले लेंगे। इसलिए ऐसे कोई स्थान नहीं गिरिराज गोवर्धन में जहाँ पर प्रभु ने लीला नहीं रचाई। या कंदरा कंदरा में, कुंज कुंज में, यहीं पर कृष्ण गैया चराए, यहीं पर कृष्ण रास रचाए, यहीं पर कृष्ण गोपियों को साथ में मीठी मीठी लीला करते थे। इसलिए ये सरोवर का नाम है कुसुमा सरोवर। कुसुमा सरोवर मतलब क्या, यहीं पर राधा रानी अपना सखियों को साथ में फूल चयन करने के लिए यहीं पर आया करती थी। एक दिन श्याम सुंदर ने देखा यहाँ पर तो राधा रानी रोज रोज फूल चयन करने के लिए आती है, एक दिन राधा जी को साथ में हम हंसी दिलाई करेंगे। राधा रानी आने से पहले कृष्ण आ गए। कभी पेड़ से फूल तोड़े हो, कभी तोड़े नहीं होंगे, देखना पास पास के फूल तो हम तोड़ लेते हैं लेकिन जो ऊंचाई में जो फूल होता है उसको तोड़ नहीं पाते हैं। इतने में कृष्ण पेड़ के ऊपर में चढ़ गए और ऊपर जो टहनिया थी वो टहनिया को प्यार को प्यार में नीचे दबा दी। अभी राधा रानी को तो पता ही नहीं, अभी राधा रानी आई और एक हाथ से टहनिया को पकड़ी और ऐसे फूल चयन कर रही थी लेकिन कृष्ण उसके ऊपर बैठे हुए हैं। इतने में कृष्ण धीरे धीरे किया कि अपना प्यार को छोड़ दिए, जो छोड़ दिया जो टहनिया थी पूरा राधा रानी को ऊपर लेकर चली गई। सब सखियां राधा रानी बोली ये क्या हो गया, ये तो पहले नीचे थी इतना ऊंचा कैसे हो गया। अभी राधा रानी लटक रही है, हैं बोले भैया मेरे को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इतने में राधा रानी गोपियों ने देखा भैया ऐसे कैसे हो गया, बोले भैया वो नटखट ऊपर बैठा हुआ है, हाँ वो कृष्ण ऊपर में बैठे हुए हैं। इसलिए फिर कृष्ण नीचे उतरे, उतर करके फिर राधा रानी को गोद में लेकर के फिर उन्होंने यहाँ पर उतारे। इसलिए कुसुम मतलब होता है फूल है, हैं कहते जो गिरिराज गोवर्धन में कहते श्री वृंदा देवी कृष्ण सेवा के लिए सुंदर सुंदर वृक्ष में, हमको पता है एक पेड़ में एक ही फूल होता है, दो तरह का फूल नहीं होता है, एक पेड़ में एक ही फल होता है हम जानते हैं। लेकिन इसी वृंदा देवी कृष्ण सेवा के लिए एक वृक्ष में जितने तरह का बेली चमेली जूई केतकी मालती जो फूल आप मांगोगे एक वृक्ष में सारे फूल मिलता था। एक पेड़ में चीकू आपेल केले अंगूर जो कुछ मांगोगे एक वृक्ष देता था। क्यों कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे हो। ये कल्प वृक्ष है वृंदावन के सारे वृक्ष। इसलिए कृष्ण राधा जी की सेवा के लिए एक वृक्ष में वृंदा देवी हर तरह का फल फूल हर एक वृक्ष में उपलब्ध था। इसलिए यही पर कृष्ण बहुत बहुत सारी लीला की। यहाँ पर एक ग्वाल पोखर है जहां पर कृष्ण सूर्य कुंड, वहां पर राधा रानी सूर्य पूजा करने के लिए आती थी, वहीं पर कृष्ण ब्राह्मण बन करके मधु बंगल को साथ में जाते थे और वहीं पर पूजा करके लड्डू लाया करते थे। कृष्ण को लड्डू बड़ा प्यारा है, हैं लड्डू बड़ा प्यारा है, ला करके यहाँ पर ग्वाल लोग बैठ करके जहाँ पर लड्डू खाया करते थे, हैं लड्डू खाते थे। यही पर नारद कुंड है, श्री नारद जी जिस समय उन्होंने श्री शंकर जी से उन्होंने अष्टकालीय लीला भगवान की श्रवण की, उनके मन में लोभ हुई राधा कृष्ण की वो प्रेम सेवा में मेरे अधिकार हो। लेकिन अधिकार हो कैसे, बोले जब तक वृंदा देवी की कृपा नहीं हो तब तक ये उनकी मधुर लीला में प्रवेश नहीं। तो उन्होंने वृंदा देवी को शरण में गए। वृंदा देवी ने कहा देखो ये जो गिरिराज गोवर्धन है जब तक ये गिरिराज गोवर्धन की कृपा नहीं हो ये लीला में कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम गिरिराज के आश्रय ग्रहण करो। इसलिए यहाँ पर नारद कुंड यहीं पर उन्होंने बैठ करके कठोर तपस्या की, हमें राधा जी की चरण की सेवा हमें प्राप्त हो, राधा कृष्ण की मधुर लीला में प्रवेश हो। इसलिए यहाँ नारद कुंड यहीं पर ही
आपको पता होगा जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था, इंद्र आया, उनकी पत्नी कयाधु ले जा रहा था, इतने में नारद जी ने कहा भैया कहाँ ले जा रहे हो? बोले मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं है, उसका एक पिता हिरण्यकश्यप ने दुनिया में टहलका मचा दिया, अगर इसको गर्भ में उसकी पत्नी के गर्भ में बेटा आने वाले है, अगर ये पिता और बेटा मिल जाए ना, लगता है हमको स्वर्ग राज्य से खदेड़ देंगे, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ, वो बच्चा जन्म देने पर मार करके उसको छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा तेरे को पता है गर्भ में कौन है? बोले भगवान के सबसे बड़े भक्त श्री प्रहलाद महाराज है, इनके लिए साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट होने वाले, इनकी बाल भी कोई बंका नहीं कर सकते है। तब नारद जी उन्होंने छोड़ करके चले गए। नारद जी कयाधु को यहीं पर लेकर के आए और हिरण्यकश्यप 60,000 साल तपस्या की और यहीं पर उन्होंने श्री कयाधु को पेट में प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने यहीं पर 60,000 साल तक उनको उन्होंने भगवान की कथा यहीं पर उन्होंने सुनाया है, इसलिए स्थान का नाम है श्री नारद कुंड, इसको पास में नारद कुंड है। यहाँ पर रत्न वेदी, रत्न वेदी मतलब क्या है, जहां पर श्री श्याम सुंदर राधा रानी को रत्न वेदी के ऊपर बैठा करके जिस समय कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठा लिया, पूरा दुनिया में हल्ला हो गया, भैया ब्रज का राजा तो श्री कृष्ण है, बोले श्री कृष्ण का नैया लाल की। अभी कृष्ण की जय जयकार, इंद्र भी जहां आकर के इनकी शरणागत तो हुई है, कृष्ण की जय जयकार हो रहा था, इतने में राधा रानी पौर्णमासी को पास में गई, बोले पौर्णमासी में क्या सुन रहे हो? बोले क्या सुन रहे हो? बोले सारा दुनिया जानते हैं मैं राधा रानी, कृष्ण को कोई राजा नहीं कहते, इसलिए वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। यहाँ पर सब मेरे नाम को सब के सब रखना लगाते हैं, सारा दुनिया कहते राधा रानी ब्रज के सर्वेश्वरी मैं हूँ, लेकिन कृष्ण की बड़ी जयजयकार हो रही है, है? सारा दुनिया कहते कृष्ण गिरिराज उठा लिया, इंद्र पूजा की जिनकी, नहीं कृष्ण कैसे हो सकता, मैं ब्रज का रानी। बोला तू सही है, बोला हम तो कृष्ण को ऊपर आक्रमण करके और कृष्ण को हम बंदी बनाएंगे। कृष्ण जब यहीं पर गया चराने के लिए आई, राधा रानी को राई राजा बना दिए, यहाँ पर रत्न सिंहासन में राधा रानी को बैठा दिए और कोई छत्र धारण किया, कोई उनको चामर भजन की और गोपियों ने कृष्ण को जाकर के आक्रमण किया और कृष्ण को बंदी बनाई। बोले बंदी कैसे, भगवान को थोड़ी कोई बंदी बना सकते हैं, ठाकुर को प्रेम से ही बंदी बना सकते हो, फूलों की माला से कृष्ण को बंदी बनाए और कृष्ण को ले आए। बोले देखो हमारे ब्रज का रानी राधा रानी इनके चरण में शरणागत हो जाओ। इतने में राधा रानी जब कृष्ण को लेकर के आए, राधा रानी शर्मिंदा हो गई, सिंहासन से खड़ी हो गई, फिर राधा कृष्ण जुगल को बैठाए और गोपियों ने उनको जय जय राधा कृष्ण रे जुगल मिलन आरती करे लली ताजी सखी जन। यहाँ पर रत्न वेदी, यहाँ पर श्री रत्न वेदी यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर श्याम तलिया है, जहां पर कृष्ण कभी कुंज में श्याम वर्ण धारण करते हुए कभी आपस में लुकोचोरी, कभी खेले हो बचपन में हैं, कभी लुकोचोरी कभी खेलते थे, क्या होता था कभी कृष्ण चोर बनता था, कभी राधा रानी चोर बनती थी, और राधा कृष्ण कभी राधा रानी छुपती थी कृष्ण ढूंढते थे, कभी कृष्ण छुपते थे और राधा रानी ढूंढती थी, और जिसको पकड़ लेगा वो बनेगा चोर। लेकिन राधा कृष्ण का भावना किया, हम कब राधा कृष्ण दोनों को जुगल मिलन कराएंगे, वही इनकी भावना है, राधा कृष्ण जुगल मिलन में ही इनका आनंद है। अभी कृष्ण जैसे चोर बने, अभी ललिता इनको आंख को बंद करती है, लुकोचुपी करते ना, आंख कैसे बंद करती, मेरे तरफ में देखो, ऐसे नहीं ऐसे करके, मतलब कृष्ण देख ले राधा रानी कौन सा कुंज में छुपी है और ऐसे करके बंद करते, कृष्ण तो देख लिया भैया राधा रानी तो इसी कुंज में प्रवेश किया, अभी उन्होंने कुहू दिए, अभी कृष्ण को छोड़े। लेकिन यहाँ पर अद्भुत, जो वृंदा देवी कुंज बनाया करती थी, कभी हरित वर्ण का कुंज, कभी नील वर्ण, कभी सफेद वर्ण का कुंज, जब वो कुंज में प्रवेश करो ना, वो कुंज का रंग, इनका रंग एक हो जाता था, जैसे आप वहां खड़े हो गए, अंदर में क्या हो रहे हैं आप देख नहीं सकते हो, कभी फूलों के कुंज, कभी पत्ते के कुंज। अभी राधा रानी तो छुप गई, कृष्ण तो देखा इसी कुंज में राधा रानी छुपी, कृष्ण वहां पर गए खड़े हुए, लेकिन वो देख राधा रानी वहीं खड़ी है, लेकिन कृष्ण देख नहीं पा रहे। बोले क्यों? वो कुंज इतने सुंदर कुंज बनाए, उसका रंग और राधा रानी का रंग एक हो जाता है, इसलिए कभी राधा रानी जब देख नहीं सकी, इतने में राधा रानी देखा भैया कन्या तो आ गए, अभी तो हम पकड़ लेंगे, अभी सखियों के साथ में छुपे थे, इतने में राधा रानी वहां से धीरे धीरे चलने लग गई, अभी प्यार में नुपुर पहने, कभी नुपुर पहने कि नहीं,
हाँ, पहले हर माता ही नूपुर बजा करती थी, क्योंकि नूपुर का छमछम आवाज होती थी। जब राधा रानी एक कुंज से दूसरे कुंज गई और नूपुर का छमछम छमछम आवाज होने लगी, लेकिन कृष्ण देख नहीं पा रहे। कृष्ण ने तो कहा, भैया कुंज क्या चल रहा है, ये नूपुर की आवाज क्यों हो रहा है। कृष्ण समझ गए, इसी कुंज में राधा रानी छुपी है। कृष्ण ऐसे ऐसे करते करते राधा रानी को पकड़ ली। फिर राधा रानी चोर बनती, कभी कृष्ण जाकर छुपते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री श्याम तलैया यहाँ पर है। इसलिए कृष्ण ऐसे कोई स्थान नहीं जहां पर कृष्ण यहाँ पर मधुर मधुर ने लीला नहीं की। हम गिरिराज परिक्रमा करते करते चलेंगे, कहां पर कृष्ण क्या क्या लीला की थी। रास्ता में सबके सब सुनते 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 सारी कथा को हम परिक्रमा करते करते जाएंगे, ठीक है। और सबके सब माला हरि नाम करते करते चलना। कोई यहाँ पर ग्राम्य कथा नहीं करना। ग्राम्य कथा मतलब क्या, प्रभु की कथा छोड़कर कोई दूसरे बात यहाँ नहीं करने की। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हरिनाम करोगे ना, एक माला करोगे, 100 माला करने का तुम्हें फल मिलेगी। क्यों, गिरिराज गोवर्धन में भगवान के धाम में परिक्रमा करते करते आप श्री माला कर रहे हो, ठीक है ना। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री कुसुमा सरोवर की। यही पर हम जब परिक्रमा करते आएंगे ना, उस तरफ में उद्धव कुंड है। अभी जो भागवत कथा सुन रहे थे ना, सब सर्वप्रथम कौन किसको भागवत कथा सुनाए, ये उद्धव जी। उन्होंने 16108 पटरानियों को सबसे पहले यहीं पर उन्होंने भागवत कथा सुनाई। और भागवत कथा सुनाए तो भागवत से स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी अपना सखा सखियों को साथ में यहीं पर उन्होंने प्रकट हुए। और श्री महिषियों ने कृष्ण को साथ में यहीं पर मिल करके उनके हृदय में जो विरह था वो विरह दूर हुआ है। इसलिए उस तरफ में उद्धव कुंड हम परिक्रमा करते करते उद्धव कुंड में भी आएंगे, वहां पर भी कथा सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री कुसुम सरोवर की, बोले श्री उद्धव कुंड की। हाँ हाँ, जो हम जो हम लोग जो स्कंद पुराण से कथा सुन रहे थे, वो गिरिराज बाबा की जय। जय श्रीराज। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna। बड़े बड़े जो फिल्म देखते हो, फिल्म देखते हो, यही पर आकर फोटो लेकर जाते हैं। अजिल आप देखना कभी बड़ी बड़ी फिल्म में, ये जो मंदिर देखो कभी कभी, देखो कितने सुंदर। ये बहुत, ये राजस्थान की ये कारीगरी है, राजस्थान की कारीगरी। हम लोग फिल्म में कभी कभी देखोगे, यही पर आकर के सब अपना अपना फोटो लिया कि नहीं, सब ले लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। बोलो सब हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम इधर भी राम राम हरे हरे, हरे फटाफट हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण